तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महाभारत युद्ध में किन योद्धाओं ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसके बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नंबर 10 के स्थान पर है शूर वीर कृतवर्मा। कृतवर्मा यदु वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली एवं तेजस्वी योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा सात्यकी की तरह नारायणी सेना के एक अतिरथी सेनापति थे। उन्होंने युद्ध कौरवों के पक्ष से किया था और वे एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति भी थे। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन भी किया था। कृतवर्मा ने शिखंडी, दृष्टद्युम्न, भीम, युधिष्ठिर जैसे योद्धाओं को अनेकों बार हराया था और भीम को भी एक बार परास्त कर डाला था। शूरवीर कृतवर्मा उन महान योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित बचे रहे थे। नंबर 9 के स्थान पे सर्वोत्तम योद्धाओं में से एक वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु ने महाभारत का युद्ध 13 दिनों तक लड़ा था। युद्ध के 13वें दिन उन्होंने गुरु द्रोण द्वारा रचे हुए चक्रव्यूह को भेद कर उसमें उपस्थित सभी महारथियों को 3-3 बार परास्त किया था। युद्ध के 13वें दिन अकेले ही उन्होंने समस्त महारथियों को बहुत अधिक पीड़ा दी थी। उन्होंने अनेकों सैनिकों का भी वध किया था, परंतु इतने बड़े बड़े महारथियों को एक साथ हराना कोई आम बात नहीं थी। इस दिन वीरता दिखाते हुए शूरवीर अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक लड़ाई की थी और उन्होंने समस्त योद्धाओं को अकेले ही बहुत अधिक घायल भी किया था। नंबर 8 के स्थान पे है महाबली घटोत्कच। घटोत्कच को आप सब जानते ही होंगे। ये निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। ये मायावी एवं जादुई शक्तियों के ज्ञानी थे। महाभारत युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए इन्होंने कर्ण को उनकी वास्तविक शक्ति चलाने पे विवश कर डाला था। घटोत्कच ने भूरी शिवा, अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण को अनेकों बार हराया था और वे कईयों से हारे भी थे। घटोत्कच अच्छे गदा चालक होने के साथ साथ बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। घटोत्कच ने आलम्बुश और अलायुद्ध नाम के दो बड़ी शक्तिशाली दानवों को भी मारा था। महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने एक अक्षौहिणी सेनाओं का भी वध कर डाला था। घटोत्कच हिडिंबा एवं भीम के पुत्र थे। इसी के कारण उनमें राक्षसी एवं इंसानी शक्तियां दोनों थी, इसीलिए वे इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली योद्धा थे। नंबर 7 के स्थान पे है भीष्म पितामह। महाबली भीष्म पितामह महाभारत काल के बहुत बड़े योद्धाओं में से एक थे। पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध में 10 दिनों तक युद्ध किया था और प्रतिदिन 10,000 से अधिक सैनिकों और योद्धाओं का वध भी किया था। युद्ध के 3रे दिन तो पितामह ने इतनी उग्रता के साथ युद्ध किया था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को ही तोड़ दिया था और पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया उठा लिया था। पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में परास्त किया था। पितामह अपने युवा काल में लगभग अर्जुन के ही समान थे। नंबर 6 के स्थान पे है परम शूरवीर योद्धा सात्यकी। महाबली सात्यकी एक बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया था। सात्यकी ने 2 बार पितामह भीष्म को युद्ध भूमि से पीछे हटा दिया था। कर्ण को भी परास्त किया था। द्रोण के साथ हुए महायुद्ध में उनके रथ का पहिया भी तोड़ा था और उन्हें हराया भी था। आलम्बुश राक्षस को भी परास्त कर डाला था। 3 बार कृतवर्मा को हराया था। भागदत्त भी उनके सामने टिक नहीं पाए थे। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य को भी युद्ध भूमि में हरा दिया था। अपने सबसे बड़े शत्रु भूरी शिवा का वध अर्जुन की सहायता से किया था। सात्यकी उन योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित बचे रहे थे। सात्यकी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को भी युद्ध भूमि में हरा दिया था। नंबर 5 के स्थान पे है महापराक्रमी महाबली भीम। महाबली भीम ने युद्ध के समय 100 कौरवों को मारा था। भीम ने कलिंग के राजा को और उनकी सेना को बहुत बुरी तरह हराया था। शूरवीर भीम ने कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म को भी परास्त किया था। भीम में 10,000 हाथियों का बल भी था। भीम ने महाभारत युद्ध में कौरवों की लगभग 3 अक्षौहिणी सेना मारी रही थी। नंबर 4 के स्थान पे है महावीर अश्वत्थामा। महावीर अश्वत्थामा गुरुवर द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे अपने पिता की ही तरह बहुत बड़े महारथी थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने नकुल, सहदेव, भीम, सात्यकी, दृष्टद्युम्न, द्रुपद, शिखंडी को अनेकों बार परास्त किया था। अश्वत्थामा ने अंजन पर्वत का भी वध कर डाला था। अश्वत्थामा ने शत्रुंजय, बलानीक, राजा पौरव, राधा सुदर्शन का भी वध किया था। अश्वत्थामा ने ही घटोत्कच की राक्षसी सेना का भी बहुत बुरी तरह
नाश किया था। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र एवं अग्नि अस्त्र जैसे घातक अस्त्रों का उपयोग कर पांडवों की 3 अक्षौहिणी सेना मार गिराई थी। नंबर 3 के स्थान पे सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के बड़े ही तेजस्वी एवं पराक्रमी योद्धा थे। अर्जुन एवं अभिमन्यु को ही छोड़कर महारथी कर्ण ने पांडव सेना के सभी महारथियों को हराया था। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, दृष्टद्युम्न, द्रुपद आदि को अनेकों बार हराया था। युद्ध के 16वें और 17वें दिन तो वे लगभग अजय बन गए थे। युद्ध के 16वें दिन उन्होंने एक साथ अनेकों योद्धाओं को हरा दिया था। युद्ध के 17वें दिन उन्होंने अर्जुन के साथ भी बड़ा ही घोर युद्ध किया था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने 2 अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया था। हमने कर्ण को अश्वत्थामा एवं भीम से मात्र इस वजह से ऊपर रखा है क्योंकि अश्वत्थामा एवं भीम ने 18 दिनों तक युद्ध किया था, परंतु महारथी कर्ण मात्र 7 दिनों में ही 2 अक्षौहिणी सेनाओं का वध करने में सफल रहे थे। इसी के कारण हमने कर्ण को अश्वत्थामा एवं भीम से ऊपर श्रेणी में रखा है। यदि सूर्यपुत्र कर्ण 7 दिनों से अधिक युद्ध कर पाते तो वे निश्चित रूप से अश्वत्थामा एवं भीम से भी अधिक विनाश कर देते। नंबर 2 के स्थान पे है स्वयं महागुरुवर द्रोणाचार्य जी। गुरुवर द्रोणाचार्य निश्चित रूप से पांडवों की सेना का सबसे बुरा विनाश किया था। उन्होंने युद्ध के 14वें एवं 15वें दिन पांडवों की सेना पे भारी कहर बरसा दिया था। उन्होंने राजा विराट एवं राजा द्रुपद सहित 25 महारथियों का विनाश किया था। युद्ध के 14वें दिन तो उन्होंने इतना अधिक घोर युद्ध किया था कि स्वयं अर्जुन भी उन्हें परास्त नहीं कर सके थे। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ गुरु द्रोण पे सभी अस्त्रों का उपयोग किया था, परंतु वे गुरु द्रोण को हरा नहीं सके थे। महाभारत युद्ध के 15वें दिन तो वे पूर्ण रूप से अजय बन गए थे। स्वयं अर्जुन ने यही कहा था, जब तक गुरुवर द्रोणाचार्य के हाथ में उनका धनुष है उन्हें परास्त करना किसी के लिए भी असंभव है। और गुरुवर द्रोणाचार्य के ही कार्यकाल में पांडवों का सबसे अधिक विनाश कौरव सेना ने किया था। गुरुवर द्रोणाचार्य का वध करने के लिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को भी असत्य का सहारा लेना पड़ा था। नंबर 1 के स्थान पे है स्वयं गांडीवधारी अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध के 14वें दिन अकेले 7 अक्षौहिणी सेना मार गिराई थी और उन्होंने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा भी पूर्ण की थी। हालांकि इसमें श्री कृष्ण ने भी उनका साथ दिया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म आदि को कई बार परास्त किया था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो अर्जुन के हाथों परास्त ना हुआ हो। क्रोध में भरे अर्जुन ने कर्ण के पुत्र वृषसेन का वध कर्ण के सामने ही किया था और वहां पे कर्ण कुछ ना कर सके थे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, इससे हमें नई नई वीडियोस बनाने का हौसला बढ़ता है। और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत अधिक धन्यवाद और हो सके तो कृपया हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर अवश्य करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया।